सॉरी विद्या, कल जो भी हुआ असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं सब कुछ भूलना चाहता था। परेशानियां भूल जाने से खत्म नहीं होती, उनका हल ढूंढना पड़ता है। हाँ, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक टूट चुका होता, लेकिन आदित्य तुम्हारी गिनती मैं दूसरे लोगों में नहीं करती, औरों में नहीं करती। मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। अंतरा तुमसे बहुत जुड़ गई, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, लेकिन तुम्हें ऐसे दर्द से तड़पता देख ये मुझे बुलाने आई थी कि तुम्हें पानी चाहिए। सच? अंतरा आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने लगी और मुझे पूरा यकीन है कि अंतरा जल्द ही बोलने लग जाएगी। बैठो प्रशांत। अब प्रशांत, वो हेड ऑफिस से आदित्य के नाम का एक लोन सैंक्शन हुआ है। कटारिया साहब ने कुछ पैसे भिजवाने की बात की थी, वो पैसे आ गया सर। थैंक गॉड। पता नहीं क्यों विद्या, लेकिन मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। दिमाग से दामोदर को निकाल दो, हम उसके पैसे लौटा देंगे। आज लौटाने थे उसके पैसे। मैंने दामोदर से बात कर ली है, हमारे पास अभी वक्त है। तुमने क्यों बात की उससे? ऐसे लोगों के साथ तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए विद्या। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम तुझे क्या लगा था बीवी से फोन करेगा तो मैं मान जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं आपको कॉल करने ही वाला। बहुत हो गया तेरा फोन का नाटक। हाँ बहुत हो गया, चल चल मेरे पैसे निकाल, चल निकाल पैसे। अभी तो नहीं है। नहीं है? बल्लू ले चल इन सबको। नहीं, मेरे बच्चों को हाथ मत लगा। क्या करेगा भाई तू? क्या करेगा? जब तक तू मेरा पैसा वापस नहीं देगा ना, तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। नहीं नहीं, चलो डालो उसको, डालो। अंतरा अभिषेक, समीर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये आदित्य की लेटर है, इसकी एक कॉपी हेडक्वार्टर भिजवा देना साइन करवाकर, कल से वो नौकरी पे आ सकता है। थैंक यू सो मच सर। कल हमारे बीच जो बातें हुई उसकी यहां किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वो सब बातें भूल जाओ। कौन सी बात सर? सोचा एक मौका और तुझे दो। चाहिए मतलब? ये ताश के पत्ते हैं, इसमें से एक पत्ता मैं फेंकूंगा, उससे बड़ा पत्ता तुझे फेंकना है। अरे लेकिन मैं, चल उठा।